यस, जय माता दी एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, नंबर वन टॉपिक इज योर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड्स फॉर योर डायरेक्ट करंट। ओके, सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा एवरेज वैल्यू। थर्ड टॉपिक जो है हमारा आरएमएस वैल्यू, एंड आफ्टर दैट फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो मैं इसके अंदर आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर को आपको याद कैसे करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर में एक्चुअल में वैल्यू है क्या और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर मैं हिंट दूं तो मैं बात करता हूं कि रोहित अरोड़ा। माय नेम इज रोहित अरोड़ा। तो आप और इस रोहित अरोड़ा के वर्ड्स को याद करेंगे, दिस इज योर आर एंड दिस इज योर ए, दिस इज आरएमएस एंड दिस इज एवरेज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म फैक्टर, तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, करेक्ट। चलो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन योर एसी एंड डीसी। अब एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। एसी के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो वेवफॉर्म होती है उसके अंदर एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, यहां पर हमारे पास वोल्टेज होती है और करंट होता है। अब यहां पर क्या होता है कि वोल्टेज वेरी करती है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो हम यहां से एक आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? एक सप्लाई वोल्टेज होती है, ठीक है। चलो अब, और डीसी क्या होती है? डीसी क्या होती है हमारे पास? लाइक दैट, ये टाइम होता है और ये हमारे पास वोल्टेज होगी और करंट होगा, ठीक है। अब ये फिक्स रहेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब डीसी की जो डीसी का करेक्शन है वो कैसे होगा? दिस वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसी भी लोड में जाएगा, ठीक है। लोड हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया डीसी के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, नेगेटिव में एंटर करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर पावर कितनी होगी। पावर क्या आएगी? वीआई, ठीक है। अब वीआई जब पावर होगी तो इट मींस अगर वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट है, करंट हमारा 2 एम्पीयर है, देन इट मींस 10 × 2, दिस इज योर 20 वाट। ओके, व्हाट अबाउट इन द एसी? एसी के अंदर क्या होगा? जो सप्लाई होगी वो कैसे शो होगी? इस तरह से शो होगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। अगेन, अब जो पावर होगी वो क्या होगी? वीआई। अब ये जो वोल्टेज है ये कौन सी होगी? ये जो वोल्टेज है बेसिकली ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, अब पावर किसमें कन्वर्ट होगी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब वी आर एम एस क्या होता है? वी एम बाय रूट टू, ठीक है। आई आर एम एस इज आई एम बाय रूट टू। हमें ये वी एम भी फाइंड आउट करना है। अब वी एम क्या होगा? एक मैक्सिमम वोल्टेज। अब मैक्सिमम वोल्टेज वेरी करेगी, ठीक है। जितनी हमारी मैक्सिमम वोल्टेज होगी उतनी हमारी पावर होगी। अब पावर क्या बताएगी? पावर आपकी एक बल्ब है, जैसे बल्ब के अंदर ग्लोनेस बताएगी। आप कहते हो कि मेरे को एलईडी बल्ब चाहिए, कि मेरे को 9 वाट का चाहिए, 12 वाट का चाहिए, 14 का चाहिए, 30 का चाहिए, या 36 का चाहिए, सॉरी, या 40 का चाहिए। पहले जो ट्यूबलाइट्स लगती थी, आपने देखा था ट्यूबलाइट्स 40 वाट की होती थी, बल्ब 100 वाट के होते थे। तो आपने अब एलईडी यूज करना शुरू कर दिया 14 वाट, ठीक है। तो वाट क्या है? बेसिकली एक पावर है, ठीक है। पावर कितनी होगी इसके अंदर? तो हम पावर के अकॉर्डिंग अपने जो कंपोनेंट्स हैं, अपने जो लोड्स हैं, उनको हम लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास एसी के अंदर? दिस इज इन बिटवीन द 50 और 60 हर्ट्ज, बट इन द केस ऑफ डीसी इट इज 0। ओके, नाउ पावर फैक्टर इन द केस ऑफ एसी इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, एंड इन द केस ऑफ डीसी The power is always, power factor is always 1. Understand this one? Okay. Load. अब load कौन सा होगा? In the case of AC, resistance, inductor, capacitor. But in the case of DC, it is resistance only. ठीक है? अब हम बात करते हैं shape की. अब shape कौन कौन सी होंगी? Shape क्या होगी? हमारे पास एक sawtooth हो सकती है, ठीक है? Triangular हो सकती है, correct? Sine formation हो सकती है, square wave form हो सकती है. अब हमने इनके बारे में बात की थी, इनके अंदर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। बट इन द केस ऑफ डीसी इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको क्या कहते हैं? इट्स अ बाई डायरेक्शनल इन नेचर एंड इट्स अ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एसी के अंदर बताते हैं कि इट्स अ इंपीडेंस, द फंक्शन इज यूज्ड इज इंपीडेंस। ओके, now in the case of DC it is a resistance. Now and applications kya hongi? In the case of this AC the application is used in basically factories, industries,
ठीक है, बट इन द केस ऑफ डीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स, ओके क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन योर एसी एंड डीसी, ठीक है। अब हम जो हमने यहां बात करी थी वीआरएमएस आईआरएमएस, हम इनके बारे में बात जो करी थी हमने, अब हम इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एवरेज वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट दिस एवरेज वैल्यू, व्हाट इज दिस एवरेज वैल्यू, ओके। नाउ दिस एवरेज वैल्यू इज बेसिकली अ एरिया ऑफ अल्टरनेशन डिवाइड बाय बेस, ओके। अब एरिया ऑफ अल्टरनेशन, ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म है, ये हमारे पास वैल्यूज है, तो मैं क्या कहता हूं करंट की फॉर्मेशन में ले लेता हूं 0 pi 2 pi 3 pi, ओके दिस वन इज 3 pi, और हम इसको कहते हैं एन वी, तो I0 I1, ओके ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, कहां तक होगी आई एन तक। जब हमने आई एन डिफाइन कर दिया तो एवरेज वैल्यू क्या हो गई I0 I1 up to your IN divide by total, मतलब base, ठीक है, this is your N, correct। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक average value find out करेंगे कहां से, एक sinusoidal function से, ठीक है, sinusoidal function की हम average value find out करेंगे, correct। चलो करते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक sinusoidal waveform है, हमने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दिस इज 0 pi 2 pi एंड 3 pi, ठीक है। अब हमें एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप कौन सी होगी, दिस वन, ठीक है, दिस इज योर डी थीटा एंड दिस वन इज योर आई, जब ये यहां आई है तो ये भी आई हो गया, करेक्ट। तो हमने इंटीग्रेशन यूज किया 0 से π कंप्लीट के लिए, क्या दिया आई डी थीटा, आप यहां पर आई भी यूज कर सकते हैं और वी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, अगर कहता है कि फाइंड आउट द वोल्टेज, ओके फाइंड आउट द वोल्टेज, फाइंड आउट बेसिकली एवरेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर वोल्टेज, ओके, तो दिस इज वी डी थीटा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आई के बारे में बात करता हूं, व्हाट इज आई, आई इज बेसिकली योर आई एम साइन थीटा, ठीक है। नाउ पुट दिस इनटू दिस, आई एम साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट। नाउ आई एम इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, साइन थीटा डी थीटा, ओके। नाउ दिस इज आई एम, ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा, ओके करेक्ट, 0 to π, ओके। नाउ माइनस साइन बाहर आ गया, आई एम अपर माइनस लोअर कॉस पाई माइनस कॉस 0, नाउ कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 इज 1, दैट इज माइनस आई एम माइनस 2, दैट कम्स योर 2 आई एम। तो ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब एवरेज वैल्यू क्या थी, एरिया डिवाइड बाय बेस, एरिया इज 2 आई एम एंड बेस इज पाई। अब हमने पाई क्यों कंसीडर किया, देखो जब भी हमारे पास नेक्स्ट वेवफॉर्म, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, जहां से हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी वो हमारा बेस होगा, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया, अगर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास साइकिल नहीं है, नेगेटिव साइकिल नहीं है, तो बेस कितना हो जाएगा 2 pi, ओके बेस कितना हो जाएगा 2 pi, ठीक है। ये हमने बात करी आई की टर्म्स में, अगर हम बात करते हैं वी की टर्म्स में, दिस इज योर वी एंड दिस वन इज वी डी थीटा, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, ओके। वी एम इज अ मैक्सिमम वोल्टेज, आई एम इज अ मैक्सिमम करंट,
तो यहां पर भी वीएम आ जाएगा, यहां वीएम आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 Vm/π। तो ये हो गया आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ योर साइनसोइडल फंक्शन। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं, आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें साइनसोइडल फंक्शन की, पहले तो वर्ड समझो, आरएमएस, आरएमएस, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। ओके, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। अब हम बात जब कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर की, रूट इज लाइक दिस वन, मीन क्या होगा हमारे पास, i0 i1 up to here in, ठीक है, डिवाइड बाय n। स्क्वायर मतलब यहां पर आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, या तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, या हम कहते हैं सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपने करंट की जो ये वाली टर्म्स हैं इनका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, या तो इसके हम एवरेज ले लो, ठीक है, मीन ले लो और रूट कर दो, ठीक है, एक ही बात है। तो इफेक्टिव वैल्यू जो होती है ये होती है हमारी इसके स्क्वायर। नाउ अब हमने डिस्कस करना है कि रूट मीन स्क्वायर जो हम कह रहे हैं कि वी आर एम एस या आई आर एम एस, ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वही साइनसोइडल फंक्शन की। अब साइनसोइडल फंक्शन के अंदर वही हम स्ट्रिप लेंगे, दिस इज योर डी थीटा, दिस इज योर आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एरिया ऑफ स्ट्रिप, जब हम एरिया ऑफ स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, 0 to π, 0π, 2π and 3π। ओके, तो यहां क्या करेंगे हम, आई स्क्वायर डी थीटा। ओके, आई इज बेसिकली 0 to π। अब आई क्या होगा, आई एम साइन थीटा, अभी हमने डिस्कस किया था, स्क्वायर कर दो। ओके, नाउ आफ्टर दैट आई एम स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, नाउ आफ्टर दैट 0 to π साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, करेक्ट। अब हम बात करते हैं, दिस इज आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली 0 to π 1 minus cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा, करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट आई एम स्क्वायर, ओके, इंटीग्रेट कर दो, 1/2 है, 2 एक कांस्टेंट टर्म हो गई, 1 की जगह क्या होगा इंटीग्रेट में, थीटा, ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 0 to π। ओके, अपर माइनस लोअर पुट करेंगे, ये वाली टर्म हमारे पास जब साइन 2π और साइन 0 0 हो जाएगा, थीटा क्या होगा, अपर माइनस लोअर पाई माइनस 0, सो दिस फंक्शन इज पाई आई एम स्क्वायर बाय 2। ओके, ये एरिया निकल गया। अब हमें क्या चाहिए आरएमएस में, तो हमने क्या कहा, आई आर एम एस, ये आरएमएस कौन सी, एक सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, एक रूट लगा दिया, तो ध्यान रखना पाई आई एम स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना होगा इस केस में, पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, सो दिस इज आई एम डिवाइड बाय रूट 2, और वी कैन से दैट आई एम इंटू 0.707। ओके, दिस इज योर आई आर एम एस। अगर हम वी आर एम एस के बारे में बात करते हैं, वी आर एम एस इज ऑल्सो वी एम बाय रूट 2, तो वी आर एम एस में क्या होगा, यहां पर वी आ जाएगा, वी डी थीटा, वी एम साइन थीटा, तो ये वी एम हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी आपके आई की जगह वी एम आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वी एम बाय रूट 2। तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय रूट 2, करेक्ट, दिस इज द वी आर एम एस एंड दिस वन इज योर आई आर एम एस, आई एम बाय रूट 2 और 0.707। दिस इज ऑल अबाउट योर आर एम एस वैल्यू। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, यहां पर नेगेटिव साइकिल खत्म कर देते हैं, तो आपका जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, बेस यहां पर जो पाई ले रहे थे वो कितना आ जाएगा, 2 पाई,
करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर के अंदर क्या होता है, क्या होता है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, इसको कॉल्ड एज फॉर्म फैक्टर। ओके, अब आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर आरएमएस आएगा या एवरेज। आप मेरे को याद कर लीजिए, रोहित अरोड़ा, आर एंड ए, दिस इज आरएमएस अपॉन एवरेज। अगर हम साइनसोइडल के बारे में बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने कैलकुलेट करी, दैट इज आई एम बाय रूट टू इन टर्म्स ऑफ करंट, ठीक है। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने, टू आई एम बाय पाई, ठीक है, आई एम साइन कैंसल, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, पाई बाय टू रूट टू। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ रही है 1.11। तो फॉर्म फैक्टर इज 1.11। फॉर्म फैक्टर यूज किस लिए होता है, बेसिकली शेप को चेंज कर देता है, ठीक है। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर का मतलब क्या है, पीक फैक्टर का मतलब क्या है, बेसिकली पीक किसको डिफाइन कर रहा है, मैक्सिमम, ठीक है, और इसको कहते हैं क्रेस्ट। ओके, तो आपके पास अब क्या होगा बेसिकली इस केस के अंदर, क्या डिफाइन क्या करेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ओके, मैक्सिमम मतलब आईएम बोल दिया, आरएमएस मतलब आईएम बाय रूट टू, ठीक है। आईएम से आईएम कैंसिल, रूट टू ऊपर गया हमारे पास, रूट टू इज 1.414, दिस इज द पीक फैक्टर, समझ रहे हो, दिस इज द पीक फैक्टर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस, एवरेज, आरएमएस एंड फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट बनूंगा, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी, जय माता दी एवरीवन।